ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के सातवें अध्याय का महात्म्य। प्रिय भक्तों, श्री गीता जी का पाठ प्रतिदिन करने से सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और इस पितर पक्ष में जरूर आप अपने पितरों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें या उन्हें सुनवाएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं सातवें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजा नहीं। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सप ने आकर कहीं से उसकी बाह में काट लिया। उसके काटती ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो सकी और उसकी तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं इसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप को योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे इस धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुँचकर बामी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तुम कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तुम मेरा पुत्र है तो मुझे सीधे बंधन से मुक्त कर, मैं पूर्व जन्म के गाढ़े धन के लिए ही सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे नसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन कर सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के आधी कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात सातवें अध्याय का सदा जप करती उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें सातवें अध्याय का महत्व बताया गया है जिसके चरण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।
अध सप्तमो अध्याय श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान जी की सातवें अध्याय। श्री भगवान उवाच, मय्या सत मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया आसंस्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओम श्री परमात्मे नमः। सातवां अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वरादि गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप जिस प्रकार संशय रह जानेगा उसको सुन। ज्ञानम ते एम सविज्ञान मेदम वच्छामि से इसता यज्ञात्वा नेहि भूतम नेहि यज्ञात्वा नेहि भूयो अन्यज ज्ञातव्य मैं वशिष्यते। मैं तेरे लिए सहित सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रहता है। भूमि रापो अनलो मनुष्याणाम सहित्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुए को मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मम से मर्म से जानता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति पृष्ठधा। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये आठ प्रकार से विभक्त की हुई मेरी प्रकृति है। अप्रेय मित स्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जल प्रकृति है और हे महाभाव, इससे दूसरे को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। इत धोनी नी भूतानि सर्वाणि त्युपधारे अहम कृत स्त्रस्य जगतः प्रभुवाप्लय इस्तता। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्लय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मेरे में गुथा हुआ है। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्वभूत वेदेषु शब्दखे पौरुषम रसु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चामि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस्त तेज सुनामहिम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अत सब साथ श्री गीता जी के सातवें अध्याय के 10 श्लोक संपन्न हुए। अब हम 11वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु
कामो अस्मि भरत रसम। हे भरत से मैं कलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसा इस्ताम शास्त्रे मत एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। हे वशिष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल और अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चय सात्विका भावा राज शास्त्राम शास्त्रीय मत एवेति तान विद्धि न तो हम देशु ते मई। और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रतुगुण से तथा तमोगुण से भी उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको तो मेरे से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमय बार भावे रे ब्रभी शर्मिदम जगत मोहितम ना भी जाने दी माँ बेप्या परम व्ययम। गुणों के कारूप सात्विक राजा और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से एवं संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्धन्ते माया में दाम तरंतिते, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा पिवर्तन्ते नराधमा माया पहत ज्ञाना आचरम भाव माश्रिता। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरि ज्ञान वाले और आश्री स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग भी मेरे को नहीं बचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर रथार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। हे भरत वसियों में शेष अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को बचते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महिम साचामं प्रियः। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत् से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवते ज्ञानी तो आत्मेव मैं मतम आस्तिता साही युक्तात्मा मामे वानुत माम गतिम। यद्यपि हे ये सब ही उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्तर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरी ही में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपथते वासदेव सर्वदीशा महाशा महात्मा सुदुर्लभा। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार मेरे को बचता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। काम स्तय स्तैर हत ज्ञान प्रपद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्ताय प्रकृतिया नीता स्वया। हे अर्जुन जो विषयाशक्त पुरुष वह हैं
है। वे तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन अनुभवों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए। उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात उन्हें पूछते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के सातवें अध्याय के 20 श्लोक संपन्न हुए। अब 21वां श्लोक, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा रचित रचितुमिच्छति तस् तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधा मैं हम। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस देवता के ही प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ करता हूँ। सातया श्रद्धा युक्ति राधन मीते लभते जा तथा कामान मयेतान तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अतवंतु फलम तेसाम तद्भाव त्यद तिल्प मेदसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मां बपी। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे मुझे भजें शेष में वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमा पत्रम मनयन्ते माम बुद्धिया परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनोत्तमम। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर्म व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परंतु मेरे को कोई नहीं जानता। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि चा भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। हे अर्जुन भूत में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे वाले होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समर्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गीय यान्ति परम तप। क्योंकि हे परंतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये साम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धनवता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को ही सब प्रकार से भजते हैं। ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धनवता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया वे राग द्वेष आदि द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जरण मरण मोक्षाय कामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्युधि कृतस्त्र मध्यात्मम कर्म चाकलम। जो मेरे क्षण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं वो पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा।
जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव की सहित तथा अधियज्ञ की सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे पाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वास्तव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते अर्थात प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भगवद गीता का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद गीता सूक्ष्मिकस्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मान में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय कृष्ण भगवान जी की, जय अर्जुन जी की। भगवान के सभी हम भक्त बने, गीता सुने और साथ में इसे पढ़े भी। बोलिए जय श्री राम।